हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स एंड मोशन का न्यूमेरिकल, जिसके लिए हमें रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं बहुत दिनों से। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड मोशन का न्यूमेरिकल्स, उनके उसके ऊपर जितने न्यूमेरिकल्स है। इससे पहले मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखे हैं मोमेंटम के ऊपर, आप देख सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा आसानी होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम हिंदी के बुक से ही पहले करवा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि और भी दो तीन जो क्वेश्चन आपको दिक्कत ना हो तो इंग्लिश में भी करवाएं, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन से आपको दिख रहा होगा, आंके की प्रश्न में यदि कोई कार 4 घंटा में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उस कार की चाल मीटर पर सेकंड में निकालना है, ठीक है। यदि कोई कार 4 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उस कार की चाल मीटर पर सेकंड में निकालिए, ठीक है। तो हमारे पास जो दिया गया है, हम क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या कि चाल यानी कि भी वेलोसिटी जो होता है, जिसको चाल भी कहा जाता है, दूरी बटा समय यानी कि एस बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है वो है क्या, टाइम दिया गया है। टाइम क्या है हमारे पास, 4 घंटा, ठीक है। और 4 घंटे को हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 घंटा में होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 4 × 60 × 60, ठीक है, ये सेकेंड में हो गया। उसके बाद है हमारे पास जो है ये है किलोमीटर में, यानी कि जो s दिया गया है वो है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से × करके, तो ये हो गया मीटर, ठीक है। तो हम लोग किसको क्या जानते हैं कि वेलोसिटी यानी कि होता है s बाई टी, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 480 × 1000 / 4 × 60 × 60, ठीक है। तरह से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इतना आंसर आएगा, यानी आप इसको क्रॉस भी करके देख लीजिएगा, इतना 33.3333 आ रहा है। तो हम लोग इसको 34 मीटर पर सेकेंड आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। दिया है कि यदि किसी वस्तु की मात्रा व वेग क्रमशः 3 kg और 13 km/h है तो उस वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, यदि किसी वस्तु की मात्रा है, मात्रा मीन्स मास दे दिया और वेग दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दे दिया है मात्रा यानी कि m दे दिया, कितना मात्रा है 3 kg, ठीक है, और वस्तु का वेग दे दिया है, ठीक है, वेग यानी कि v, वेलोसिटी दे दिया हमारे पास, वेलोसिटी हो गया हमारे पास 13 km/h, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है संवेग, संवेग इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग क्या जानते हैं कि संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग इज इक्वल टू होता है रो, जिसको रो कहते हैं, संवेग इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर हमारा m है 3, v है 13, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा आप देख लीजिएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा कि 39 kg/s, यही आंसर, ठीक है। इस तरह से ये सेकंड नंबर का भी हो गया। उसके बाद है क्या कि यदि किसी कार द्वारा तय विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है और वेग जो वेलोसिटी है वो 3 km/h हो तो निर्दिष्ट समय बताएं, यानी हमें टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। यदि किसी कार द्वारा, जो क्वेश्चन है कि यदि किसी कार द्वारा तय विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर और वेग 3 km/h हो तो टाइम बताएं, यानी कि निर्दिष्ट समय बताएं, ठीक है। तो हमारे पास जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन है 3 मीटर और वेलोसिटी कितनी है 3 km/h, तो हम लोग इसको पहले वेलोसिटी को हम लोग चेंज करेंगे सेकंड में, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर है, यानी काफ़ी छोटा डिस्टेंस है, तो उसको कितने सेकंड में वो कार डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर, इतना किलोमीटर पर आवर में, यानी जो सेकंड में, पर इतना मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसको हमने चेंज कर दिया,
उसके बाद जो हम लोग क्या जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि टाइम इज इक्वल टू होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, यानी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3 मीटर, और जो हमने टाइम वेलोसिटी हमारे पास कितना निकला है 0.833, और हमने जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें इतना सेकेंड, हमारे पास राइट आंसर इतना सेकेंड आएगा। आपके बुक में आंसर नहीं दिया हुआ है इसलिए मुझे कंफर्म नहीं है, और यदि आंसर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो तरीका यही है, इसी तरीके से ही बनेगा, और कोई तरीका नहीं होता है। यदि कुछ देख लीजिएगा आप लोग, कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किया, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर फ्रॉम ए गन। बुलेट जो बुलेट होता है ना उसके 10 ग्राम फायर किया जाता है एक गन से जिसका मास है 6 kg। ठीक है, इस गन का मास है 6 kg, इस बुलेट का मास है 10 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर जो बुलेट बनाया गया है और इसकी वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड, विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, तो कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। गन का हमें वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम लोग, हमारे पास क्या क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, मास ऑफ गन दिया हुआ है, और बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ है। हमें सिर्फ गन का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पर मास का जो 10 ग्राम है उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे, बाई डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें केजी में यहाँ पर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 300 मीटर पर सेकेंड और मास ऑफ गन है 6 kg। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, गन का कितना वेलोसिटी से वो फायर किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। हम लोग पहले कर सकते हैं क्या कि मोमेंटम, मोमेंटम के जरिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। ठीक है, बुलेट का मोमेंटम है हम लोग मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर भी मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर मास है हमारे पास, यहाँ पर है 0.01, यहाँ पर दिखा रहा है बुलेट का मास, और वेलोसिटी हमें हमें वेलोसिटी इसका बुलेट का मास वेलोसिटी भी पता है। ठीक है, 300 मीटर, यहाँ पर मास है 6 kg, यहाँ पर वेलोसिटी हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर हम इसको भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर है 0.01, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 3 kg, मोमेंटम इसका निकल गया 3 kg मीटर पर सेकेंड। और इसका निकल गया 6 into v। अब v को फाइंड आउट करना है तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 3/6, यानी कि निकल जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए इस तरह से, तो हमारे पास रिकॉयल का वेलोसिटी कितना मिलेगा, हमें रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, त्वरण कितना प्रोड्यूस्ड होगा, कितना मिलेगा बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन ए ऑब्जेक्ट। 12 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर जिसका मास 3 kg है। ठीक है, तो हमें कितना त्वरण मिलेगा, यानी एक्सीलरेशन कितना हमें मिलेगा यदि हम 12 न्यूटन का फोर्स किसी ऐसे 3 kg वाले मास पर, 3 kg वाले ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं तो हमें एक्सीलरेशन कितना मिलेगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार है कि हमें, हम क्या जानते हैं, फोर्स, यहाँ फोर्स हमारे पास दिया है, फोर्स इज इक्वल टू है 12 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 kg। ठीक है, और कितना क्या एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि जिसको हम लोग एफ भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। ठीक है, अब पहले बोलते थे, अभी आजकल हम लोग ए बोल रहे हैं। तो एफ इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, हम लोग जानते हैं ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमें कितना है, यहाँ पर हमें फोर्स दिया है 12, मास है 3 kg, और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें मिलेगा ए, सॉरी,
ए इज इक्वल टू मिलेगा हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके यूनिट के साथ हमेशा आंसर निकालिएगा, हमेशा आंसर यूनिट के साथ ही लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, और भी हम एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि और आपको आसान। क्वेश्चन है हमारे पास कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू ए कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द मास ऑफ द कार इज 1500 मीटर या 1500 kg, इतना है उस कार का। तो कहने का क्वेश्चन का मीनिंग यही है कि एक कार को जो कि प्रारंभ से रेस्ट में है, प्रारंभ से विराम में है, उस कार को 10 सेकेंड में 30 मीटर प्रति सेकेंड की जो उसका वेलोसिटी है, उसके वेग को कितना फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगा ताकि वो इतने टाइम में वो इतना कितना हमें फोर्स चाहिए ताकि वो इतना वेलोसिटी प्रदान करे, मतलब उतना वेलोसिटी उसको चाहिए। तो कार का इतना वेट है 1500 kg, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमें फोर्स को निकालना है, ठीक है, फोर्स को निकालना है, और कितना वेलोसिटी देना है, कितना फोर्स लगाना है कि वो कार इतनी वेलोसिटी से 10 सेकेंड में जाए। तो क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो हम लोग क्या जानते हैं, यू इनिशियल वेलोसिटी है जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो 0 है। हमें फाइनल वेलोसिटी कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 30 मीटर, इतना हमको वेलोसिटी प्रदान करना है। तो उसके लिए हमें कितना फोर्स चाहिए, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। टाइम मिल रहा है हमारे पास, टी इज इक्वल टू मिल रहा है 10 सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा, ठीक है। हम लोग किस फॉर्मूले को पुट करेंगे, हम क्या जानते हैं कि वी नो, हम लोग जानते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर यू क्या है, यू 0 है, ए हमें पता नहीं है, टी है हमारे पास 10 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ वी है हमारे पास 30, सॉरी 3 बोला मैंने 30। तो हम यहाँ पर कैसे निकाल देंगे, ए 10, सॉरी 10 ए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें हमें मिल जाएगा ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हमें एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। अब हमें पता करना है कि यहाँ पर जो मास ऑफ कार है कितना है, 1500 kg है, ठीक है। तो हम लोग इसको फोर्स के फॉर्मूले से निकालेंगे। फोर्स इज इक्वल टू होता है ना मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है हमारे पास 1500 kg, एक्सेलरेशन है हमारे पास 3। तो हम लोग इसको इस फॉर्मूले से निकाल के यहाँ पर 4500 न्यूटन, यानी कि इतना 4500 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करेंगे उस कार को ताकि वो इतने मीटर इतने स्पीड में इतने वेलोसिटी के साथ 10 सेकेंड में वो जा सके, ठीक है। ये क्वेश्चंस है। आई होप सो कि मैंने जो यहाँ पर आप लोग न्यूमेरिकल कराएं आपके लिए बहुत यूजफुल रहे और अच्छे से आप कर पाएं, समझ पाएं, और कुछ दिक्कत होने पे मैं और भी कोशिश करूंगी कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, और भी अच्छे से स्टडी करिए, कुछ दिक्कत होने पे आप मुझसे पूछिए। बाय बाय।